नमस्कार स्टूडेंट, आज के जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ ये हमारा आगे का टॉपिक है। जो हम लोग ट्रेसिंग का जो टॉपिक हमारा चल रहा था ये अपना आगे का टॉपिक है। तो आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो सिमेटिक के माध्यम से कैसे मोबाइल फ़ोन के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। या आप एक बात ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारी सिमेटिक कहाँ पर मदद करता है कि आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आएगा। तो बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहते हैं कि सर मैं बोर्नियो सिमेटिक के माध्यम से मोबाइल फ़ोन को फॉल्ट को ढूंढूंगा तो फॉल्ट कैसे ठीक कर पाऊंगा, या बोर्नियो सिमेटिक के माध्यम से फॉल्ट को कैसे ट्रेस किया जाएगा। तो आज मैं आपको इसके वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात क्या, इसको स्टेप सीखने से पहले आपको दोस्तों ये समझना पड़ेगा कि ये जो बोर्नियो सिमेटिक है इसको यूज कैसे किया जाता है। ये बोर्नियो सिमेटिक हमारा एक इंडोनेशिया का सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से मोबाइल फ़ोन में आने वाले जो भी फॉल्ट्स हैं, जो भी सप्लाई है, जो भी ट्रैक हैं, जो भी वोल्टेज हैं, ये जो कंपोनेंट लगे हैं, ये कंपोनेंट की वैल्यू क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इससे इन्फॉर्मेशन लेते हैं और हमको रिपेयरिंग करने में कहीं ना कहीं ये सॉफ्टवेयर हमारी बहुत सारी हेल्पफुल होता है। अगर आपको एडवांस लेवल की रिपेयरिंग करना है तो ये सिमेटिक आपकी बहुत मदद करता है। जब आप लोग ट्रेनिंग के लिए हमारे पास आते हैं तो इस सिमेटिक के माध्यम से हम आपको पूरा एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग आपको देते हैं। आपको ए से लेकर जेड तक सभी मोबाइल फ़ोन का तरीका हम आपको सिखाते हैं कि कैसे हमारे मोबाइल फ़ोन को रिपेयर किया जाएगा, या हमारे मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करने का तरीका क्या होगा, या हमारे मोबाइल फ़ोन के रिपेयरिंग करने के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो दोस्तों आज जो हम लोग जो वीडियो लेकर के आए हैं ये आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर चार्जिंग के ऊपर वीडियो लेकर के आए हैं कि मोबाइल फ़ोन के अंदर जो चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है उस चार्जिंग की प्रॉब्लम को कैसे हल किया जाता है। मतलब टोटल दोस्तों हम लोग जो सीखने वाले हैं चार्जिंग के बारे में सीखने वाले हैं। किसके बारे में सीखने वाले हैं? चार्जिंग के टॉपिक के ऊपर आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है चार्जिंग के ऊपर होने वाला है। दूसरी बात क्या है, इसको हम लोग सिमेटिक के माध्यम से सीखने वाले हैं। कैसे? सिमेटिक के माध्यम से हम लोग फॉल्ट को डायग्नोस करेंगे, या सिमेटिक के माध्यम से जो भी मोबाइल फ़ोन के अंदर जो कमी आती है उस कमी को कैसे ठीक करेंगे। तो हम लोग अपने सिमेटिक के ऊपर चलते हैं, यानी अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चलते हैं। और इसी चीज़ का जो मेरे पास मोबाइल फ़ोन का बोर्ड भी रखा है, जो मैंने आपको बोर्ड दिखाया ये सेम इसी तरह का मेरे पास बोर्ड भी रखा है। तो इस बोर्ड के माध्यम से मैं आपको विजिबिलिटी भी करके दिखाऊंगा। जैसे देखेंगे ये आपका पीसीबी का जो बोर्ड आपका लेआउट बना हुआ है, इसी लेआउट का मेरे पास बोर्ड भी रखा है और मैं इस बोर्ड को भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसे इस सिमेटिक के माध्यम से हम लोग इस बोर्ड में कैसे इसकी विजिबिलिटी लेते हैं और कैसे फॉल्ट को डायग्नोस करते हैं। तो देखिए ज़रा, ये मेरे पास बिल्कुल हूबहू बोर्ड आ गया है और ये देखिए दोस्तों ये वही चीज़ है जो आप लोग सिमेटिक में देख रहे थे, यही बिल्कुल जेन्युइन है, हूबहू बिल्कुल सेम टू सेम। तो हम लोग सेम मदरबोर्ड पे भी हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आगे अपने वीडियो में चलते हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने हैं ताकि आप अच्छे से समझ में आ सके और आपको इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से क्लियर हो सके। देखिए तो ये जो हमारा बोर्नियो सिमेटिक जो सॉफ्टवेयर होता है, इस सॉफ्टवेयर में पहले हम लोग प्राइमरी स्टेज पे चलते हैं। देखें जैसे अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये हमारा जो आता है पहले हार्डवेयर आता है, फिर बिटमैप आता है। हार्डवेयर है, बिटमैप है और सिमेटिक है, ये तीन चीज़ें जो होती हैं। इसमें डायोड की वैल्यू भी है, थर्मिस्टर भी, एसओसी है, डाटा शीट, ये सारी इन्फॉर्मेशन मोबाइल फ़ोन की ही फिलहाल दी हुई है। तो पहले हम लोग पहला हम हार्डवेयर के बारे में समझेंगे, फिर इसके बारे में मैं आपको कल आगे आपको समझाऊंगा। आज पहले हम लोग हार्डवेयर के बारे में एक एक करके सारे टॉपिक को क्लियर करते हैं ताकि आपको चार्जिंग सेक्शन पूरा अच्छे से डीपली से समझ में आ सके। और दोस्तों ये जो मैं आपको वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, अगर ये सारे वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो बिल्कुल चार्जिंग के मास्टर हो जाएंगे कि चार्जिंग के कोई भी समस्या आती है तो किसी भी समस्या को बिल्कुल डीपली लेवल तक ठीक कर सकते हैं, या उसमें किसी मैसेज का आना, टेम्परेचर का मैसेज आना, या किसी भी तरीके की जो प्रॉब्लम आती है सभी समस्याओं को आप आसानी के साथ में हल कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने वीडियो के ऊपर और अपने बोर्ड में व्यू करते हैं। तो जैसे ही हमारा जो बोर्ड दिया हुआ है, इस बोर्ड में चार्जिंग की सप्लाई को चेक कैसे करते हैं, इसी सप्लाई को चेक करने से पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिमेटिक में ये देखना पड़ेगा ये लाल, पीली, हरी, नीली, ऐसे बहुत सारी कलर्स मल्टीपल लाइन्स दी होती हैं। इस लाइनों का मतलब होता है, इस लाइनों का रीजन होता है। क्या रीजन होता है, देखिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला रीजन क्या होता है,
देखो भाई, सबसे पहला जो रीजन होता है वो हमारा पहला रीजन क्या होता है कि ये जो इसकी लाइनें हैं, आप अगर आप देखेंगे अलग अलग कलर से दिया हुआ है। मैं थोड़ा सा इसको आपको डिटेल में आपको समझाता हूँ। ये जो लाइनें दी है इसका मतलब होता है, सबसे पहली चीज़ जो पहला मतलब वाली बात आती है वो हमारी ये चीज़ होती है जिसमें लिखा वी बस यूएसबी। यहाँ पर ये 5 वोल्ट सप्लाई को इंडिकेट करती है। ये जो चार्जिंग के अंदर जो इनपुट सप्लाई होती है जहाँ से 5 वोल्ट करंट आता है, जो मैंने आपको कल समझाया हुआ था, ये उसका लाइन है। उसके बाद ये तुम्हारा दूसरा सेकेंडरी वी बैड का लाइन है, ये 4 वोल्ट का आउटपुट का लाइन है। ये तुम्हारा यूएसबी का लाइन है, डाटा केबल का लाइन है। उसके बाद ये आपके मोबाइल फ़ोन में बैटरी कनेक्टर के अंदर आईडी का लाइन है जो आपके मोबाइल फ़ोन में परसेंटेज लेवल को शो करता है। उसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन में थर्मिस्टर का लाइन है जो आपके बैटरी के टेम्परेचर या थर्मिस्टर लाइन को सेंस करता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो पूरा डिटेल बाई डिटेल आपको दिया हुआ है। तो इसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल फ़ोन में आने वाली समस्याओं को ट्रेस करते हैं। जैसे आपके पास कोई भी फ़ोन बनने के लिए आया, उस मोबाइल फ़ोन में कस्टमर कह रहा है कि मेरे मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम है, चार्जिंग नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले बात आपके दिमाग में ये आती है कि चार्जिंग नहीं हो रहा है तो इसका चार्जिंग का लाइन कहाँ कहाँ गया होगा और चार्जिंग की लाइन को हमको चेक कैसे करना है, कैसे चार्जिंग की लाइन को ट्रेस करना है। तो चार्जिंग की लाइन को ट्रेस करने के लिए सबसे पहला काम हमको ये करना पड़ेगा कि इसकी जो 5 वोल्ट की जो इनपुट सप्लाई है, इस 5 वोल्ट की इनपुट सप्लाई को हमको समझना पड़ेगा। इसके सप्लाई के बीच में क्या क्या लगा हुआ है, ट्रैक में क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, ये सारी चीज़ें हमको समझनी पड़ेगी। तो चलो हम लोग आगे वीडियो में चलते हैं, देखते हैं कि हमारे ट्रैक में क्या क्या लगा हुआ है। सबसे पहली बात, ये वी बस का लाइन है। अगर आप देखेंगे वी बस का लाइन आपका कहाँ से शुरू होता है, यूआई से शुरू होता है। अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको इसको जूम करके अच्छे से दिखा रहा हूँ ताकि आप सभी लोग आप पूरा क्लियर हो पाएँ। और ये देखिए, ये आपका यूएसबी का लाइन है जो यहाँ से आप पत्ता लगा देते हैं। पत्ता लगाने के बाद ये 5 वोल्ट सप्लाई आपका यहाँ से इन हो जाता है। यहाँ पर 5 वोल्ट सप्लाई इन होता है, ये देखिए ये दोनों पॉइंट्स हैं, इधर ये तीनों पॉइंट्स हैं, ये सारी एक ही लाइन आपकी यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर 5 वोल्ट सप्लाई इन हो जाती है। ये 5 वोल्ट सप्लाई इन होने के बाद ये जो आपका पॉइंट दिया होता है इसको हम लोग वी बस पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये वाला जो पॉइंट आपका दिया हुआ है इसको आप लोग क्या बोलेंगे, वी बस पॉइंट। इस पर 5 वोल्ट करंट आता है। कई बार आपका अगर चार्जिंग जैक खराब हो जाता है या नीचे का पत्ता यूआई खराब हो जाता है तो जो भी चार्जिंग जैक का कनेक्शन होता है माइनस तो ग्राउंड होता है, आप तुम चाहो तो प्लस से उठा करके इस गोले पर जम्पर मार दोगे तब भी आपका मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग होना शुरू हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, नीचे का जो यूआई पत्ता है, यूआई है या जो पत्ता लगा हुआ है, इसकी सप्लाई जो घूम फिर करके जो 5 वोल्ट ऊपर जा रही थी, मेन बोर्ड में पहुँच रही थी, तो आपने इसके माध्यम से आपने डायरेक्ट 5 वोल्ट सप्लाई ऊपर पहुँचा दिया और आपके मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग होना चालू हो जाएगा। इसको मैं आपको डीसी मशीन से भी कैसे चेक किया जाता है वो भी मैं आपको वीडियो में आगे आपको समझाऊंगा इसी में से। तो ये 5 वोल्ट सप्लाई जब यहाँ पर इन हो जाएगी तो 5 सप्लाई होते 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 फिर आगे ट्रैक पर जाएगी। अब कहाँ पर जाएगी मैं वो भी आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो ये 5 वोल्ट सप्लाई यहाँ से होते हुए, ये देखो लिखा है वी बस यूएसबी इन, और ये सप्लाई पहले चलेगी कैपेसिटर के अंदर। इस कैपेसिटर के बाद फिर ये सप्लाई आगे गई, फिर इस कैपेसिटर पे आई, कैपेसिटर के बाद दोनों कैपेसिटर से होते हुए आईसी के पिन के अंदर चली गई। जब आईसी के पिन के अंदर चली गई तो आईसी में ये हो गया आपका इनपुट, उसके बाद ये हो गया आपका आउटपुट। यहाँ से आउटपुट निकलेगा कैपेसिटर के माध्यम से आउटपुट होते हुए, डायोड के माध्यम से आउटपुट होते हुए, वी बैट टिप से होते हुए और आपका बैटरी कनेक्टर के प्लस पे चला जाएगा। जब बैटरी कनेक्टर के प्लस पे चला जाएगा तो ये आपका हो जाएगा जो इधर का लाइन आपने जो टेस्ट किया, ये तो लाइन था भैया आपका इनपुट, ये वाला लाइन क्या था, इनपुट। उसके बाद जब आपने ये वाला लाइन चेक किया जो ये लगा हुआ है, ये तुम्हारी ओबीपी आईसी लगी हुई है। क्या लगी हुई है दोस्तों, इसी का आईसी का मैंने आपको कल के वीडियो में जिक्र किया था कि ये जो आईसी लगी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओबीपी, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर सप्लाई आएगी तो 5 वोल्ट सप्लाई सबसे पहली बात आपके यहाँ पर आ जाएगी, उसके बाद ये ओबीपी के माध्यम से होते हुए सप्लाई यहाँ से होते हुए इस कैपेसिटर पे आ जाएगी, कैपेसिटर से होते हुए आपके आईसी के पिन तक पहुँच जाएगी। अगर मान लिया तुम्हारी कल को ओबीपी आईसी ख़राब हो जाती है तो या ओबीपी आईसी शॉर्ट हो जाती है, चार्जिंग के वी बस के लाइन में यहाँ पर बीप आना शुरू हो जाती है, ये ट्रैक ब्रेक हो जाता है, तो इस ओबीपी आईसी को आप आसानी से हटा देंगे। ओबीपी आईसी को हटा देंगे, ओबीपी आईसी हटाने के बाद ओबीपी का काम ख़त्म हो जाएगा। जब ओबीपी का काम ख़त्म हो जाएगा तो आप करेंगे क्या, आप क्या करेंगे,
इस कैपेसिटर से लेकर के इस कैपेसिटर पर ऐसे जम्पर मार देंगे तो 5 वोल्ट ये सप्लाई डायरेक्ट आईसी तक पहुंच जाएगी और ओवीपी का काम ख़त्म हो जाएगा। अगर आप चाहें तो ओवीपी को लगा भी सकते हैं, नहीं तो मोस्टली इसको ज़्यादातर जम्पर की तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक फ्यूजिबल आईसी होती है। ये आईसी इसीलिए लगाई जाती है कि हमारे मोबाइल फ़ोन में, जैसे पहले जितने भी मोबाइल फ़ोन आते थे, सारे मोबाइल फ़ोन में फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता था। फ्यूज का इस्तेमाल इसलिए किया जाता था कि जैसे अगर आपके यहाँ पर अगर एम्पियर चार्जिंग की जो सप्लाई की स्पीड अगर तेज़ हो जाती है तो ये ख़राब हो जाता है। ऐसा इसलिए होता था कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि अपने पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है उसको हम कोई भी चार्जर घुसड़ देते हैं, भाई चार्जिंग होना शुरू हो जाता है। भाई चार्जिंग होना तो शुरू हो जाता है, लेकिन आप ये देखें कि जो चार्जर का एम्पियर है वो मोबाइल फ़ोन के एम्पियर के कैपेबिलिटी है कि नहीं है। अगर चार्जर का एम्पियर ज़्यादा है, मोबाइल फ़ोन उतने एम्पियर का नहीं है, तो मोबाइल फ़ोन में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, आईसी जल जाएगी। इसीलिए कंपनी ने आगे प्रोटेक्शन के तौर पर ओवीपी आईसी के लगाया हुआ है, ताकि अगर बेशक यहाँ से 5 एम्पियर करंट आएगा, लेकिन आगे अगर 2 एम्पियर का अगर ओवीपी लगा दिया गया है या 2 वीओपी का फ्यूज की तरह लगा दिया गया है, तो आगे का जो एम्पियर जो पास आउट होगा वो कितना रहेगा, उसका एम्पियर डाउन रहेगा। तो ये क्या काम करता है कि जो बेसिकली जो करंट के अंदर का जो फ्लो का स्पीड होता है उस स्पीड को कंट्रोल करता है, या ऐसा कर सकते हैं अगर ज़्यादा होता है तो उसको कम करता है, जिससे क्या होता है हमारी आईसी प्रोटेक्ट रहती है, हमारी आईसी सुरक्षित रहती है। इसी तरीके से पहले नोकिया के मोबाइल फ़ोन में सीपीडी यूज किए जाते थे, चार्जिंग प्रोटेक्शन जिनको डायोड के रूप में बोला जाता था, जो सप्लाइयों को प्रोटेक्ट करते थे। उसी तरीके से अब यहाँ पर जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं वहाँ पर ओवीपी की तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ये सारी पिनें अगर आप देखेंगे तो ये माइनस होती हैं और ये वाली पिन सप्लाई की होती हैं। तो ये सप्लाई चलिए फ़िलहाल हमारे आईसी तक पहुँच जाती है। आईसी से ये आपका वी बैट का आउटपुट होता है। वी बैट के आउटपुट होने के बाद एक आपके एक और आउटपुट लाइन निकलती है, जिसको हम लोग वीपीएच लाइन बोलते हैं। ये वीपीएच लाइन आउटपुट होने के बाद आपकी पावर आईसी एक्टिव होती है, और इसके और भी जैसे तुम्हारा पीएफओ है, नेटवर्क है, और भी सारे सेक्शन होते हैं जिससे एक्टिव होते हैं, जिससे चालू होते हैं। तो ये आपकी सप्लाई, तो यहाँ पर जो चार्जिंग आईसी जो अपने अंदर सप्लाई लेती है तो वो 2 सप्लाई को आउटपुट करती है। एक तो सबसे पहली जो सप्लाई को आउटपुट करती है वो तुम्हारी कौन सी सप्लाई होती है, वी बैट। दूसरी सप्लाई जो आउटपुट करती है वो वीपीएच, जिससे आपका पूरा मोबाइल फ़ोन चालू होता है। तो ये दोस्तों मैंने आपको जो बताया है मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग सेक्शन के बारे में आपको बताया है कि चार्जिंग के लाइन को हम लोग कैसे चेक करते हैं। अब हम लोग आगे वीडियो में आगे चलते हैं। तो ये मैंने चार्जिंग का इनपुट लाइन को मैंने आपको समझाया है। अब हम लोग बात करेंगे कि जैसे अगर आप देखेंगे इसके मोबाइल फ़ोन में, इसमें थर्मिस्टर का भी लाइन होता है और आईडी का लाइन होता है। तो थर्मिस्टर आईडी का लाइन पहचान कैसे आएगा आपको, आप इसके कलर फॉर्म से पहचानेंगे। जैसे सबसे पहली बार ज़्यादातर लोगों को थर्मिस्टर की प्रॉब्लम आती है, अच्छा बैटरी कनेक्टर आईडी की प्रॉब्लम आता है तो इससे हैंडसेट हमारा डेड भी हो जाता है, ये सेट ऑन होता है और ऑन होने के बाद बंद हो जाता है, ऐसी भी प्रॉब्लम इसके माध्यम से आती हैं। तो जो बैटरी थर्मिस्टर का लाइन होता है ये आपका ब्लू कलर का दिया हुआ है या पर्पल कलर का दिया हुआ है, इसमें अगर आप इस चीज़ को वॉच करेंगे देखेंगे तो ये आपका बैटरी कनेक्टर का लाइन है। बैटरी कनेक्टर का लाइन का सप्लाई सबसे पहले बार यहाँ से चला, पिन से होते हुए डायोड पे गया, डायोड स्ट्रिप से गया, डायोड से होते हुए डायोड तुम्हारा पैलर पोजिशन में लगा हुआ है, फिर सप्लाई तुम्हारी आगे होते हुए एक रेजिस्टेंस पर गई। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये 2 किलो ओम का जो 0.2 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है भी नहीं, कंपनी ने नहीं भी लगाया। तो नहीं लगाने का मतलब क्या होता है, या तो उसको डायरेक्ट कर देती है या तो फिर उतने वैल्यू का रेजिस्टेंस वहाँ पर कंपनी ऐड करती है। ये कहती है कि भाई यहाँ पर 4 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाया है, 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाया है, 6 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाया है, अगर रेजिस्टेंस ख़राब हो जाता है तब भी हमारे फ़ोन में थर्मिस्टर्स की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो हम लोग एक बार रेजिस्टेंस में जंपर मार के देखते हैं, अगर चलता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग को क्या करना होता है, इस रेजिस्टेंस को इतनी वैल्यू का रेजिस्टेंस किसी दूसरे हैंडसेट से उतार करके हमको इसमें डालना होता है। उसके बाद फिर ये सप्लाई फिर हमारी चली जाती है पावर आईसी के अंदर। पावर आईसी इस थर्मिस्टर लाइन को सेंस करती है। अगर आपने सारे सर्किट को ओके कर दिया, रेजिस्टेंस से बेसिकली ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है कि थर्मिस्टर की समस्या आती है, तो रेजिस्टेंस चेंज करने से हमारी समस्या सॉल्व हो जाती है। उसके बाद ये हमने आईडी लाइन को देखेंगे। आईडी लाइन जो होता है टिप्स पे आता है, टिप्स से होते हुए एक डायोड पे गया, डायोड के बाद फिर वही सप्लाई आप एक रेजिस्टेंस पर जाती है, ये भी रेजिस्टेंस आपका पैलर की पोजीशन में लगा है। ये पैलर में लगा होने का मतलब होता है ये रेजिस्टेंस होता है इसकी बहुत हाई वैल्यू होगी और ये पैलर पोजीशन में लगा हुआ है। फिर उसके बाद ये आपकी लाइन जो होती है आगे जाती है, और ये भी लाइन आपकी कहाँ पर जाती है, पावर आईसी पर जाती है।
तो इस तरीके से आप थर्मिस्टर आईडी लाइन है, अगर थर्मिस्टर आईडी लाइन ख़राब हो जाएगी तो थर्मिस्टर आईडी लाइन को भी आप लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया कि हमारे पास मोबाइल फ़ोन में प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे चेक करेंगे। अब ये तो मैंने चार्जिंग का लाइन बताया, अब मैं आपको बताता हूँ इसमें दो यूएसबी का लाइन दिया होगा, यूएसबी के लाइन में क्या क्या कंपोनेंट लगे हुए हैं। फिर ये सप्लाई तुम्हारी कहाँ पर जाती है, सीपीयू पर जाती है, जिससे आप मोबाइल फ़ोन को लगाते हो कंप्यूटर से डाटा केबल के माध्यम से मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर डाल देते हो या सॉफ्टवेयर को ट्रांसफ़र करते हैं। ये देखें यहाँ से यूएसबी का लाइन दिया हुआ है, इसके लाइन के बीच में टिप्स है, दो सीरीज में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, पैलर में दो डायोड लगे हुए हैं। उसके बाद अगर रजिस्टर ख़राब हो जाएंगे, डायोड शॉर्ट हो जाएंगे, तो आपको यूएसबी का लाइन शॉर्ट हो जाएगा, आपका कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट नहीं होगा, पोर्ट नहीं बनाएगा, चार्जिंग से भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या आपका मोबाइल फ़ोन यूएसबी से कनेक्टेड नहीं होगा। तो ये दो पॉइंट्स आपके क्या हैं, ये तुम्हारे काई के पॉइंट्स दिए हुए हैं, यूएसबी के पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब इसी चीज़ को जो आप लोगों ने यहाँ पर देखा है, इसी चीज़ को ज़रा मैं थोड़ा सा आपको मदरबोर्ड पर दिखाता हूँ, और इसकी बोर्ड की विजिबिलिटी जो होती है मैं आपको पीसीबी पे आपको क्लियर करता हूँ। ये दोस्तों अब मैं क्या काम करता हूँ, आपको मदरबोर्ड दिखाता हूँ। मदरबोर्ड में अगर आप लोग फिर से देख लेंगे, चार्जिंग सप्लाई यहाँ से आई, गोले से होते हुए कैपेसिटर पे गई, कैपेसिटर ओवीपी से होते हुए चार्जिंग आईसी पे आई, ये आउटपुट निकला, ये देख सकते हैं। अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा बोर्ड में आपको दिखाता हूँ कैसे सप्लाई आई है, किस तरीके से आउटपुट हुआ है, ताकि आप इसके माध्यम से आप देख सकते हैं। अगर आप लोग हैं चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी पहले वाले का ले सकते हैं, और पहले वाले स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप वीडियो को आगे देख करके मैच करा सकते हैं, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। ये देखिए ये देखिए, मैं आपको पूरा अच्छे से क्लियर करता हूँ, समझाता हूँ। देखिए ये आपका जो पॉइंट्स दिया हुआ है, ये तुम्हारा पॉइंट्स है, काय का पॉइंट्स है। यहाँ पे चार्जिंग के 5 वोल्ट सप्लाई जो है यहाँ पर इन होगी, 5 वोल्ट जब इन हो जाएगा तो ये सप्लाई यहाँ से होते हुए गोले पे जाएगी, गोले से होते हुए ये सप्लाई यहाँ से होते हुए इस कैपेसिटर पे चली जाएगी, कैपेसिटर के बाद सप्लाई तुम्हारा कहाँ पर जाएगी, ओवीपी पे जाएगी, ओवीपी से होते हुए कैपेसिटर पे आएगी, कैपेसिटर के बाद फिर कैपेसिटर फिल्टर से होते हुए, इन कैपेसिटर से होते हुए फिर तुम्हारा चार्जिंग आईसी की पिन पे चली जाएगी। फिर चार्जिंग आईसी क्या काम करेगी, ये अपने अंदर सप्लाई लेगी, इस सप्लाई को हम लोग बोलते हैं इनपुट। फिर क्या होगा, इससे आउटपुट होगा, आउटपुट होने के बाद कैपेसिटर से आउटपुट होने के बाद ये डायोड से और वी बैट से आउटपुट होते हुए बैटरी कनेक्टर के प्लस पे चला जाएगा, जिसके आपके मोबाइल फ़ोन में बैटरी की सप्लाई आपकी क्या होगी, बैटरी की सप्लाई आपकी चार्ज होगी, बैटरी चार्ज होगा और आपके मोबाइल फ़ोन में बैटरी स्टोर हो जाएगी। अब ये जो आपकी सप्लाई जो आपने काउंट करी, ये आपकी इनपुट सप्लाई थी, ये आपकी आउटपुट सप्लाई। उसके बाद यहाँ के माध्यम से आपके वीपीएच सप्लाई निकलेगी, जिससे तुम्हारी वीपीएच लाइन निकलेगी और आपकी पावर आईसी एक्टिव होगी, पावर आईसी चालू होगी। ये मैंने तुमको यूएसबी इन का लाइन का समझाया, सॉरी चार्जिंग का इन का लाइन मैंने समझाया हुआ है। ये देखिए यूएसबी इन के लिए कंपनी ने यहाँ से पॉइंट आए, इस रजिस्टर पे आए, फिर इसका पॉइंट इस रजिस्टर पे आए, इस रजिस्टर से डायोड से होते हुए आगे चला गया, इसकी सप्लाई इस डायोड से होते हुए आगे चली गई, और ये सप्लाई होने के बाद फिर कहाँ पर चली गई, तुम्हारे सीधे सीपीयू आईसी पे चली गई थी, और सीपीयू आईसी से हमारा मोबाइल फ़ोन यूएसबी मेथड से कनेक्ट हो गया था। तो दोस्तों ये जो मैंने वीडियो मैंने आपको समझाया हुआ है, ये चार्जिंग ट्रैक के बारे में आपको बताया है, और इसका प्रैक्टिकल भी मैंने आपको बोर्ड में उपयोग करके दिखाया है। तो सिमेटिक से माध्यम से हमको ये बहुत सारी मदद मिलती है कि हमारे पास जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं ठीक होने के लिए, या जो भी मोबाइल फ़ोन ठीक होने के लिए प्रॉब्लम रिपेयर होने के लिए आते हैं, तो हम लोग इसके माध्यम से हार्डवेयर में उसको व्यू करते हैं, हार्डवेयर में उसको देखते हैं, हार्डवेयर में देखने के बाद फिर उसको प्लेट में उसको मैच करते हैं। तो जिससे क्या होता है, हमको उस ट्रैक का फाइंड आउट का पता चलता है कि वो हमारे ट्रैक कैसे जाते हैं और हमारे ट्रैक कैसे चलते हैं। तो ये दोस्तों मैंने बोर्नियो सिमेटिक के हार्डवेयर के पहले टॉपिक के बारे में ऊपर मैंने आपको बताया हुआ है। कल हम आपको इसी के बिटमैप के बारे में बताएंगे कि इसी को चीज़ को बिटमैप से कैसे फाइंड करते हैं, या बिटमैप के माध्यम से कैसे चेक किया जाता है, फिर सिमेटिक के माध्यम से कैसे चेक किया जाता है। ऐसा हम लोग दोस्तों स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, और आपको इसके बारे में चार्जिंग के बारे में और डिटेल से आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और आज की वीडियो के माध्यम से मैंने आपको चार्जिंग के बोर्ड को बोर्नियो सिमेटिक के माध्यम से कैसे फॉल्ट को डायग्नोस करने का तरीका आपको समझाया है। वीडियो आपको कैसे लगी, वीडियो के बारे में क्या समझ में आया, आप नीचे मैसेज में ज़रूर कमेंट करें, और इस तरीके से और भी वीडियो सीखने के लिए या इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, जानकारी लेने के लिए
ऐसी बहुत सारी वीडियो हैं जो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे पड़ी हुई हैं, आप चाहें तो उन वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं, या उस चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियो हैं जिन वीडियो को देख करके आप समझ सकते हैं कि आपको मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग किस तरीके से आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा या किस तरीके से आपको एडवांस लेवल तक की ट्रेनिंग आपको सिखाई जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहें, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें और कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत आती है तो नीचे मैसेज करें। और हाँ, अगर आप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग से संबंधित अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें, कॉल करें, दिन में कभी भी फ्री होते हैं तो वीडियो कॉल करें, वीडियो कॉल के माध्यम से समझें कि कैसे आपको क्लास कराया जाता है, कैसे आपको सिखाया जाता है। तो वीडियो बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों। Yeah.